गाइस, ये हमारा Realme Narzo 60X स्मार्टफोन एंड आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इसका चार्जिंग टेस्ट। बिकॉज यहाँ पे मैंने इसको पूरा डेड कर दिया है, 0% कर दी है इसकी बैटरी और इसकी चार्जिंग करने वाला है इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको, साथ में 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो देखने वाले कितना ज़्यादा टाइम लेता है चार्जिंग होने में फुल, एंड यहाँ पे हीटिंग वगैरह कैसी देखने में मिलती है हमें पूरी चार्जिंग के दौरान, एंड सारी चीज़ें देख लेंगे इस वाली वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो शुरू कर देते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट सेटअप बन चुका है, यहाँ पे हम टाइमर भी स्टार्ट कर देंगे जैसे चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा जो 33 वॉट का सुपर वूक चार्जर है, इसके साथ हमें जो इसके बॉक्स में मिला है तो ये हम यूज़ करने वाले हैं, साथ में जो टाइप सी केबल हमें इसके बॉक्स में मिली है वो है। सो इसको अगर प्लग कर लेते हैं सॉकेट वगैरह में, फोन में लगा लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं हमारा चार्जिंग टेस्ट। तो गाइस, मैंने चार्जर तो सॉकेट में लगा लिया एंड केबल को भी फोन में अटैच कर देते हैं, एंड यहाँ पे जैसे ही मैं प्लग स्टार्ट करूँगा टाइमर भी हम स्टार्ट कर देंगे। सो 1 2 3 एंड स्टार्ट। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों ही चीज़ें स्टार्ट कर दी है, टाइमर भी और सॉकेट भी, और हमारी जो चार्जिंग लाइट है वो जल चुकी है, यहाँ पे फ़ोन में आ चुकी है लाइट चार्जिंग की। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना ज़्यादा टाइम ले लेता है ये फ़ोन फुल चार्ज होने में, एंड ये बूट अप हो जाएगा शायद ऑटोमेटिकली, सो वो भी देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1% चार्जिंग शो कर रहा है, काफ़ी लो लाइट है उसकी जिसकी वजह से देख नहीं पा रहा है आपको। सो यहाँ पे देख सकते हैं 1% चार्जिंग शो कर रहा है। इसको फिलहाल हम 10 मिनट तक चार्ज करते हैं, 10 मिनट के बाद फोन को ऑन करेंगे एंड देखेंगे कितनी ज़्यादा चार्जिंग इसने हो गई है 10 मिनट के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारे 10 मिनट इसको फ़ोन को चार्ज करते हुए हो गई है कंप्लीट, एंड यहाँ पे हम चार्जिंग की बात करें सो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी हुई है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 17% चार्जिंग हो चुकी है हमारी 10 मिनट में, तो यार काफ़ी तेज़ी से स्पीड पकड़ी है इसने। तो एक बार फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, देन बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और। सो गाइस, फ़ोन मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है एंड यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ चार्जिंग वगैरह। सो यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन भी आ रहा है भाई, 19% दिखा रहा है अभी हो चुके स्टार्ट, और यहाँ पे 33 वोट की चार्जिंग भी शो कर रहा है कि कितनी वोट का चार्जर लगा हुआ है आपका। सो यहाँ पे 19% हमारी बैटरी हो चुकी है कम्प्लीट, तो इस तरह कुछ चार्जिंग एनिमेशन आ रहा है इसमें। बाकी यहाँ पे एक बार हीटिंग की बात बताऊँ तो हीटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है बिल्कुल भी, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल सा वार्म हुआ है हल्का सा पीछे ही साइड से, बाकी हीटिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं हुई है, तो ये चीज़ बढ़िया है। और पावर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फास्ट कर रहा है चार्ज। बाकी देख लेते हैं एक बार इसको आधे घंटे तक चार्ज करते हैं, एंड आधे घंटे के बाद देखते हैं इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा बूस्ट होती है एंड कितनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिलती है इसमें। सो गाइस, यहाँ पे हमारी 30 मिनट्स पूरी हो चुकी है चार्जिंग करते हुए इस फ़ोन में। सो अब एक बार चार्जिंग परसेंटेज देख लेते हैं कितनी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार चार्जिंग जो हमारी हो चुकी है वो है 41%। तो यहाँ पे आधे घंटे में इसने 41% चार्जिंग करी है यार, यानी कि इसने थोड़ी सी स्पीड कम कर ली है। स्टार्टिंग की आपने देखा था 10 मिनट के अंदर हमारी 17% के अराउंड चार्जिंग हो गई थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी कम लग रही है मुझे अब स्पीड, थोड़ी सी इसने ड्रॉप करी है शायद 30 मिनट की हो गई क्योंकि चार्जिंग टेस्ट करते हुए, एंड 42 ही हुई है अभी। सो यहाँ पे आप देख लेते हैं एक बार कितना और टाइम लेता है चार्जिंग होने में। फिलहाल हीटिंग की बात करो तो हीटिंग नहीं हुई डिवाइस में, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, इसने एकदम बढ़िया से मेंटेन करा है, हीटिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ डिवाइस में, वार्मनेस भी बिल्कुल हल्की फुल्की सी है। सो हीटिंग के मामले में कुछ भी नहीं हुआ डिवाइस में। और चार्जर की बात करूँ तो चार्जर भी नॉर्मल वार्म है, हीटिंग नहीं हुई है, तो यार हीटिंग को काफ़ी अच्छे से डिसिपेट कर रहा है, तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी। बाकी यहाँ पे हमें देखना है कि और कितना टाइम लेता है ये फुल चार्ज होने में। फिलहाल यहाँ पे एक बार 45 मिनट्स कंप्लीट करते हैं चार्जिंग होते हुए, देन बात करेंगे इसके बारे में कितनी परसेंट चार्जिंग और बढ़ती है, क्या हमें हीटिंग अब देखने को मिलती है या फिर नहीं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 मिनट्स भी हमारी कंप्लीट हो चुके हैं चार्जिंग को करते हुए इस फ़ोन में, एंड यहाँ पे बैटरी की बात करें तो यहाँ पे जो बैटरी हमारी हुई है वो है 58% यार। तो मतलब 45 मिनट्स के बाद इसने सिर्फ 58% करी है यार, बहुत स्लो कर दी है इसने चार्जिंग अपनी, 33 वोल्ट के हिसाब से इसने बहुत ज़्यादा कम कर दी है। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर में ट्यूनिंग करते हैं ना ये कंपनीज़ वाले, कि जिससे कि बैटरी हेल्थ आपकी बची रहे या फिर जो भी है, उसकी वजह से चार्जिंग स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, बट फिर फास्ट चार्जिंग देने का क्या फ़ायदा जब आप 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दे रहे हो। क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी चार्जर यूज़ करे हुए हैं रियलमी के, 33 वोल्ट के भी, 30 वोल्ट के भी, जब सुपर डार्ट आता था इसका, उसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती मुझे, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है फोन चार्ज, एक घंटे के अराउंड फुल चार्ज होता है, और इसका तो मेरे को लग नहीं रहा कहीं से एक घंटे में फुल चार्ज होने का। सो यहाँ पे हीटिंग की बात करूँ, हीटिंग नहीं कर रहा बिल्कुल डिवाइस, ये चीज बढ़िया है, इसमें बिल्कुल भी जरा सी भी हीटिंग
हीटिंग देखने को नहीं मिल रही है मुझे, और वही चीज़ चार्जर का है, चार्जर नॉर्मल वॉर्म है, बस हीटिंग नहीं हुई है चार्जिंग में भी। सो यार चार्जर की हीटिंग और फ़ोन की हीटिंग इसने रोक रखी है, बट स्पीड भी इसने रोकी रखी है, स्पीड यहाँ पे बढ़ नहीं रही है। सो यार ये चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है इस वाले फ़ोन में। बाकी आप बताओ यार आपको कैसा लग रहा है इसकी स्पीड, मुझे कम लग रही है डेफिनेटली 33 वॉट के हिसाब से और 5000 mAh के हिसाब से। यहाँ पे 59% हो चुकी है, बाकी अब देखते हैं यार और कितना टाइम लेता है ये वाला फ़ोन चार्जिंग करने में, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटे या 1.25 घंटे में भी होने वाला है फुल चार्ज। बाकी 59% चार्जिंग हो चुकी है, लेट्स सी कितना और टाइम लेता है, एक बार 1 घंटे कंप्लीट करते हैं चार्जिंग एंड उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में दोबारा। सो गाइज यहाँ पे जो है हमारा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है इस वाले फ़ोन को चार्जिंग करते हुए। एंड यार चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे अब जो हुई है वो है 74%, यानी कि 60 मिनट्स में इसने सिर्फ 74% चार्जिंग करी है, जो कि एक 5000 फ़ोन के हिसाब से, 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से, 33 वॉट के चार्जिंग के हिसाब से कम है भाई। मैंने काफ़ी फ़ोन्स यूज़ करे बट ये कम है इसके हिसाब से। और यहाँ पे हीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी नहीं है, नॉर्मल सी, बिल्कुल स्लाइटली वॉर्म है फ़ोन, बहुत ही ज़्यादा कम वॉर्म है। और चार्जर की बात करें नॉर्मल वॉर्मनेस है, तो यहाँ पे हीटिंग के मामले में ये फ़ोन जीत जाता है भाई आराम से, लेकिन चार्जिंग स्पीड के मामले में ये फ़ोन बहुत पीछे रह जाता है। इसकी जो सपोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग का 33 वॉट, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तो झोल है भाई, या फिर कंपनी ने जो भी कर रखा है हीटिंग को रोकने के लिए कह लो या फिर किसी भी चीज़ के लिए कह लो, यहाँ पे ये वाला फ़ोन चार्जिंग स्लो कर रहा है भाई 33 वॉट के चार्जर के साथ भी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इस वाले फ़ोन को हम एक बार 20 मिनट्स और चार्ज करते हैं, यानी कि हम देख लेते हैं एक बार 1 आवर 20 मिनट्स कंप्लीट करके, देन बात करते हैं इसके बारे में कितनी परसेंट चार्जिंग हमारी हो जाएगी उस वक्त तक। सो गाइज यहाँ पे फाइनली हमारी 1 आवर 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुकी है, यानी टोटल 80 मिनट्स चार्जिंग को हो गए हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग की परसेंटेज की बात करें तो 96% बैटरी हो चुकी है यहाँ पे हमारी फाइनली, तो 80 मिनट्स में इसने 96% बैटरी करी है, यानी कि 4% बैटरी जो बची है वो देख लेते हैं अगले 10 मिनट में हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से कंप्लीट। उसके अलावा दोस्तों हीटिंग अभी भी कहूँगा कुछ भी हीटिंग नहीं हुई डिवाइस में पूरी चार्जिंग टेस्ट के दौरान, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है यार। बिल्कुल भी डिवाइस ने हीट नहीं करा, ना ही चार्जर ने हीट करा, नॉर्मल वार्मनेस हुई थी, बिल्कुल स्लाइट वार्मनेस, बहुत ही ज़्यादा हल्की फुल्की, जो कि नोटिस भी नहीं होगी आपको। तो यार इस हिसाब से इसने हैंडल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से करा है, बट चार्जिंग स्पीड में कहना चाहूँगा स्लो है यार, 33 वॉट के हिसाब से काफ़ी स्लो लगी मुझे, एज़ कम्पेयर टू जो मैंने पहले रियलमी के फ़ोन्स यूज़ करे हैं, पहले ट्राई करे हैं 30 वॉट या 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में। सो उस हिसाब से इस तरीके से है चार्जिंग, बट अब देख लेते हैं लास्ट की जो हमारी 4% बैटरी बची है वो कितनी देर में हो जाती है। सो यहाँ पे 96% बैटरी, लास्ट की 4% देख लेते हैं एक बार, इसको 99% होने देते हैं, फिर चेक करते हैं कि कितना देर लगाता है 100 होने में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी 25 मिनट्स हो चुके हैं, 1 आवर 25 मिनट्स, एंड जो चार्जिंग है हमारी वो 99% हो चुकी है। अब लास्ट की 1% देख लेते हैं कितनी देर लगाती है अब, और मेरे ख्याल से जल्दी हो जानी चाहिए यार, क्योंकि डिवाइस ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया चार्जिंग को फुल करने में 0 to 100%। सो यहाँ पर लास्ट की 1% देख लेते यार और कितना ज़्यादा टाइम लेती हमारा फुल चार्ज होने में। सो गाइज फाइनली हमारा जो है चार्जिंग टेस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज 100% चार्जिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आवर 25 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स। सो यहाँ पे 100% फुल चार्ज हमारा फ़ोन हो चुका है, चार्जिंग को करते हैं हम ऑफ, एंड यहाँ पे जो है आपने देखा ही है फुल चार्जिंग टेस्ट कैसा रहा है। सो यार ये वाला जो चार्जर था हमारा यही लगा रखा था, नॉर्मल वॉर्म है अभी भी चार्जर 33 वॉट का, बट यहाँ पे 33 वॉट जैसी पावर मुझे लगी नहीं पूरे चार्जिंग के टेस्ट के दौरान, बिकॉज स्लो चार्जिंग लगी मुझे। स्पीड आप देख सकते हैं 25 मिनट्स, 1 आवर 25 मिनट्स ले लिया यार इसने फुल चार्ज होने में, जबकि यहाँ पे आपको 33 वॉट की चार्जिंग मिलती है 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से, जिसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर 10 मिनट्स के अराउंड हो जाना चाहिए था चार्ज, बट इसने इतना टाइम लिया है। आप बताना दोस्तों आपको कैसा लगा। बाकी हीटिंग के मामले में मैं कहना चाहूँगा डिवाइस ने बहुत बढ़िया तरीके से संभाला है, ये वाला फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ, वॉर्म भी नहीं हुआ, मैं कह सकता हूँ नॉर्मल बिल्कुल स्लाइट वॉर्म हुआ था, बस कुछ भी नहीं हुआ हीटिंग के मामले में। सो ये था दोस्तों इसका चार्जिंग टेस्ट, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में जल्दी ही, टिल देन बाय बाय।